जब हम प्यार शब्द का जिक्र करें तो आप क्या सोचते हैं? हर किसी के लिए प्यार शब्द का मतलब अलग अलग होता है। कोई इसमें सीधा अपनी माँ को देखता है, माँ शब्द से सच्चे प्यार को जोड़कर देखता है, वो माँ जिसने आपको पैदा होने से पहले आपको 9 महीने कोख में रखकर फिर पैदा होने के बाद से लेकर अब तक बिना किसी शर्त के बे इंतहा मोहब्बत की हो, जो आपकी एक खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे। या फिर किसी के लिए इस शब्द का कनेक्शन पिता से होता है, जो दिन रात मेहनत कर आपको खुशहाल जिंदगी देते हैं, जो आपके सपने पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो किसी के लिए प्यार उनके भाई बहन के लिए इमोशंस हैं, या फिर प्यार सुनकर कुछ लोग फिल्मी दुनिया वाले प्यार में पहुंच जाते हैं, जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है कि किसी को देखकर दिल में गिटार बजने लगे, आसमान गुलाबी हो जाए, सब कुछ आसपास अच्छा लगने लगे, मौसम सुहाना लगने लगे, बस उसको देखने का मन करे और दिल गुनगुनाने लगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसे इमोशन का एहसास आपको कब और क्यों होता है? क्या ये सिर्फ एक इमोशन है या इसमें कोई साइंटिफिक लोचा भी है? इन सभी सवालों का जवाब देंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान महेश्वरी और आप देख रहे हैं अधान हिंदी। शायर चाहे कुछ भी कहे, प्यार असल में दिल से नहीं आता। शुरुआत करने वालों के लिए ये फीलिंग्स इमोशंस नहीं है, यह फिजिकल अट्रैक्शन, रोमांस और प्यार जैसी कई फीलिंग्स का मिक्सचर होता है। लेकिन वास्तव में प्यार क्या है? साइंटिफिकली देखें तो आपको प्यार का एहसास ब्रेन में 3 केमिकल रिलीज होने से फील होता है, जो है नोराड्रेनालाइन, डोपामाइन, फेनिलएथिलामाइन। ये तीनों केमिकल्स जब आपके ब्रेन में स्टेज बाय स्टेज रिलीज होते हैं तो आप प्यार महसूस करते हैं। जैसे प्यार की शुरुआत में नोराड्रेनालाइन रिलीज होता है, जो एड्रेनालाइन प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, जिससे दिल तेजी से दौड़ता है और हथेलियों में पसीना आता है। फिर दूसरा केमिकल जो रिलीज होता है वो है डोपामाइन। इस केमिकल के रिलीज होने से आप अच्छा महसूस करते हैं। फिर आता है फेनिलएथिलामाइन। इस केमिकल के ब्रेन में रिलीज होने से हमें वो एहसास होता है जिसे हम कहते हैं बटरफ्लाइज इन द स्टमक, और ऐसा अक्सर तब होता है जब हम किसी ऐसे के आसपास होते हैं जिससे हम प्यार करते हैं या हम अपने क्रश के करीब होते हैं। ये तो बात हो गई साइंटिफिक रीजनिंग की, लेकिन क्या इन फीलिंग्स के पीछे कोई बायोलॉजिकल रीजन भी है? तो जवाब है हाँ। प्यार में पड़ने के 3 अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पहला वासना, जिसे हम लस्ट कहते हैं। दूसरा आकर्षण, जिसे अट्रैक्शन भी कहते हैं। तीसरा अटैचमेंट या लगाव। अब इन तीनों स्टेजेस को एक एक करके समझते हैं। पहला है वासना। इसमें पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है। दूसरा स्टेज है आकर्षण। इसमें हम किसी के प्रति अट्रैक्टेड फील करते हैं। ये बिल्कुल एक लत की तरह होता है जिसमें एक्साइटमेंट होती है। साथ ही जैसा कि हमने पहले बताया, इस स्टेज में एड्रेनालाइन और डोपामाइन जैसे केमिकल रिलीज होते हैं। इन सब केमिकल के रिलीज होने के कारण आप प्यार में आने के बाद किसी के प्रति एडिक्टेड फील करते हैं। खास तौर पर एड्रेनालाइन ही वह कारण है जिसके कारण आप जब ऐसा महसूस करते हैं तो गाल लाल हो जाते हैं और आपकी हथेलियों में पसीना आने लगता है। और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे आप पहली नज़र में पसंद करने लगते हैं तो आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। आखिरी और तीसरा स्टेज है लगाव, यानी अटैचमेंट, जिसमें आप किसी से कनेक्शन या उसके क्लोज फील करने लगते हैं और उसके साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करने लगते हैं। इस स्टेज में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। ऐसा तब होता है जब आप किसी को खुद से बेहद क्लोज महसूस करते हैं। इसलिए इतने सब केमिकल लोचे के बाद आपको प्यार का एहसास होता है, जिसे शायर, प्रेमी, फिल्म मेकर या कोई भी सॉन्ग राइटर अपने अंदाज में अलग तरीके से बताते हैं। ऐसी ही खबरों को और पढ़ने के लिए डाउनलोड करें अधान ऐप।